उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,277 चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से किया गया, जिसके तहत 5 सफल अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त शिक्षकों से बात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं अपनी शुभकामनाएं देते हुए बताया कि नवनियुक्त चयनित सहायक अध्यापकों में 6,675 शिक्षा मित्र हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है और आज उसी मेहनत और धैर्य का परिणाम है कि शिक्षा मित्र शिक्षक के रूप में चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नियुक्ति में आरक्षण के मानकों का भी भरपूर पालन किया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया सुचितापूर्ण, पारदर्शी एवं योग्यता के अनुरूप कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन के बाद गोरखपुर के आयोग सभागार में प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने जनपद के 6 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने वालों में आभा चतुर्वेदी, बबीता मौर्य, उम्मे जैनब, श्वेता चौधरी, शैलेंद्र कुमार सिंह तथा देश दीपक शामिल थे। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने बताया कि गोरखपुर जिले में कुल 547 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जिसमें 306 पुरुष, 241 महिलाएँ हैं। प्रभारी मंत्री ने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि बच्चों को शिक्षा देने की बड़ी जिम्मेदारी शासन द्वारा उन पर सौंपी गई है और वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करेंगे, क्योंकि बच्चों की नींव मजबूत करने का आधार शिक्षकों पर है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, संत प्रसाद, महंत पाल सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर विमलेश पासवान, संगीता यादव, जिलाधिकारी केवीएन पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली नव नियुक्त शिक्षिकाएं एवं प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा, नियुक्ति पत्र मिलना है? कहाँ से आई है? गोरखपुर। क्या नाम है? देश दीपक। कहाँ से है? जहाँ शिक्षक ग्राम हो और हर विद्यालय में हमको जो ट्रेंड मिल रहे माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार छात्रों की संख्या बढ़ रही है, इसमें आपके मार्गदर्शन की, आपके स्वयं के नेतृत्व की, आपके द्वारा शुरू किए गए स्कूल चलो अभियान अवश्य करना है। आपने क्या किया है? किसी शब्द से किया है? सिद्धार्थनगर की रहने वाले हैं आप? सिद्धार्थनगर। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको देखिए, आप ही के जिले में आपको शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल रही है। आपको आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। ठीक है ना, आपके लिए तो उपलब्धि है। पढ़ाएंगे ना मेहनत से? पढ़ाएंगे। जिस भी स्कूल में भेज देंगे वहाँ जाके पढ़ाएंगे ना? हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बहुत सुंदर।
किया है बीबीसी है आज आपको जो है देखिए आप जो है आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है पत्र मिलेगा वहां चले जाएंगे जाके पढ़ा लेंगे ना ठीक है महेश सुंदर आपके समाज के लिए आपको बधाई और हमारी शुभकामनाएं आह्वान चतुर्वेदी जी नमस्ते आप तो शिक्षा मित्र रही है और आज आप शिक्षक बन रही है आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है आपको करना पता ऐसा नहीं होगा ना नहीं क्या आपने योग्यता साबित करने का मौका दिया हम लोगों को उनके द्वारा भड़काने की कार्रवाई हमेशा की जाती है गलत फहमी पैदा करने का प्रयास होता है शॉर्टकट का रास्ता अपनाया जाता है और अंतत न्यायालय ने पिछली बार सरकार ने जो गलत तरीका अपनाया था उसको खारिज किया ना और खारिज करने का परिणाम क्या था कि आप सबका भविष्य अंधकारमय हो गया आप कब से शिक्षा मित्र हैं 2004 से 16 साल आप लोगों ने शिक्षा मित्र के रूप में काम किया और इसीलिए कोर्ट का फैसला है कि शिक्षा मित्रों को निकालो हमने कहा हम निकालेंगे नहीं इनका मानदेय कुछ बढ़ा करके इनसे काम लेंगे और फिर हम लोगों ने इस बारे में अपील की कि भाई इनको वेटेज दे करके अगर ये लोग योग्य हैं तो हम इन्हें शिक्षक के रूप में ही एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित तरीके से इनको हम व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे आज देखिए अब आप लोगों की नियुक्ति पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा हमेशा इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक जीवन में सफलता के लिए शॉर्टकट का रास्ता कभी नहीं अपनाना चाहिए हमें मेहनत का कोई विकल्प नहीं होना होता है इसे अपने जीवन में हमें पूरी मजबूती के साथ रखना होगा और मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है आज आप जैसे शिक्षा मित्रों को जब ये परिणाम मिलता है तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए आपके परिवार के लोगों के लिए आपके मित्रों और शुभचिंतकों के लिए मैं इसके लिए आवाज आपको और आपके पूरे परिवार को आपके जितने भी शुभचिंतक हैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूँ विश्वास कि आप लोग अब मेहनत से पढ़ाएंगे और जो आप लोगों के पास अनुभव उस अनुभव का लाभ अब आने वाले समय में बच्चों को और अच्छे ढंग से उपलब्ध कराएंगे बेसिक शिक्षा परिवार को गौरवान्वित करें जनपद गोरखपुर में 31,270 माननीय प्रभारी मंत्री जी के घर कमलों श्री प्रसाद चौधरी श्वेता चौधरी डॉटर ऑफ श्री शिव प्रसाद चौधरी प्राप्त करते हुए मुक्त कुमार सिंह सन ऑफ नरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री रामायण चौरसिया आज डाउन करिए डाउन करिए महिलाएं एवं 306 पुरुषों को और इधर पीछे आ जाइए भैया सब छोड़ दो यार मेन कार्यक्रम नहीं करता मेन कार्यक्रम पे आ जाए यार बड़े कार्यक्रम फोटोग्राफर को कोरोना नहीं क्या कहें आप लोग सब तो हमारे आभा चतुर्वेदी मुख्यमंत्री जी ने तो सबसे पहले मुझे ये आशीर्वचन दिया कि आप इतने पुराने समय से विभाग में हैं अपना सर्वोत्कृष्ट दीजिएगा आपने अच्छा कार्य किया और आप प्रशंसनीय हैं कि आप यहाँ तक पहुँची हैं इतनी लंबी लड़ाई 16 साल हम लोगों ने विभाग को दिया था और आज इस जगह पर हम पहुँचे हैं जी बच्चों को शिक्षा देना आपको पढ़ाना हाँ बिल्कुल 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 अपना सर्वोत्कृष्ट दिया जाएगा विभाग को आज तक देते रहे और आगे भी देंगे और निखार आएगा उम्मे जैनब इसके पहले भी टीचिंग का कोर्स हमने किया है 2 साल का कोर्स उसके बाद आज हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला है जिसके बाद फाइनली हम लोग टीचर बन गए हैं कितने दिनों संघर्ष था आपका 1.5 साल से ज़्यादा तो क्या कहेंगी सरकार को
थैंक यू बोलेंगे लास्ट में, क्योंकि फाइनली आज के दौर में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी गवर्नमेंट जॉब तो और मुश्किल है, तो योगी सरकार का थैंक यू बहुत ज़्यादा। तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, किसी न किसी रूप में लोगों को चयनित करके व्यवस्था की जा रही है। जनपद गोरखपुर को जो मिल रहा है 599 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, सबको अभी बांटा जा रहा है। पूरे प्रदेश में 31,227 लोगों को शिक्षा मित्र के माध्यम से या अन्य माध्यम से आज पूरे प्रदेश भर में आच्छादित किया जा रहा है। अभी तक कमियां थी पूरा किया जा रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार ने तय किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि हर हाथ को देंगे काम, हर खेत को देंगे पानी और दुल्हन बन के फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। इसी व्यवस्था को करके हम लोग आ जा रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहते हैं, आइए हम मिल करके इस प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाने का, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी और मोदी जी की सरकार है, उसमें आप सबका भी आह्वान चाहते हैं। आइए हम मिल करके उसका